मैं एक बार सुशील पंडित जी के पास जा रही हूँ। सुशील जी, मेरा सवाल बड़ा सिंपल सा है। योगी आदित्यनाथ यूपी में जो काम कर रहे हैं उस पर अजीज खान साहब की पार्टी सवाल उठाती रहती है। वो कहते हैं वो एनकाउंटर गलत कर रहे हैं, जातिवाद देख कर कर रहे हैं। वो कहते हैं कि वो एसटीएफ नहीं है, वो सरेआम ठोको फोर्स है। तो योगी आदित्यनाथ पर तो इनके हमले यूपी वाले अलग हैं, लेकिन टारगेट एक कश्मीर वाला भी अलग है कि इन्हें जेल में डाल देना चाहिए क्योंकि ये बुलडोजर चलाते हैं। तो वहां पर तो कितने लोग हैं जिन्हें जेल में डाल देना चाहिए था बहुत पहले। जी सुचरिता जी, नहीं, डॉक्टर अजीज खान साहब को मैं सुन रहा था, वो कह रहे हैं कि बेरोजगारी एक मुद्दा है। बेरोजगारी कहां मुद्दा नहीं, बेरोजगारी न सिर्फ कश्मीर में मुद्दा है, पूरे देश में मुद्दा है, पूरी दुनिया में मुद्दा है। बेरोजगारी हमारी अर्थव्यवस्था को लेकर के और पिछले गुज़िश्ता सालों में जो कोविड आया, जो वॉर्स हुई हैं, जो इकॉनमी का डिक्लाइन हुआ है, बेरोजगारी का उससे सीधे सीधे लेना देना है। लेकिन कश्मीर का जिहाद बेरोजगारी के लिए नहीं है, कश्मीर का जिहाद राजमार्ग या टनल बनाने के लिए नहीं है, हवाई अड्डों के लिए या इंडस्ट्री के लिए नहीं है। वहां ये जुलूस नहीं निकलते थे, पत्थरबाजी इसलिए नहीं होती थी कि हमें काम चाहिए, कि महंगाई है, कि कारखाने नहीं आ रहे हैं। माफ कीजिएगा, कश्मीर में जो भारत को चुनौती है वो देश की अखंडता को लेकर के है, वो इस्लामियत का जो एक भयावह चेहरा है जिहाद, उसको लेकर के है, जिसके इक्के दुक्के वाकयात यूपी में गाहे बगाहे होते रहते हैं। वो कश्मीर में सर चढ़ के बोलता है, वो हिंदुओं का पलायन एक बहुत बड़ा मुद्दा है। कश्मीर घाटी को हिंदुओं से खाली करा लिया गया, जैसे कुछ जिले आज उत्तर प्रदेश में खाली कराए जा रहे हैं, गांवों में लोग हिंदू पलायन को मजबूर है। कश्मीर की पूरी घाटी खाली करा दी गई है और वहां कलाश्निकोव है, बम है, जो खेत के सेब के बागानों में नहीं उगते हैं, भारत में कारखाने नहीं है उसके, पाकिस्तान से आते हैं। कश्मीर की चुनौती ये है। तो इसको बेरोजगारी कह के, महंगाई कह के, कारखाने कह के, काम धंधा कह करके मत बरगलाइए। कश्मीर में चुनौती भारत की अखंडता को है और योगी जो चेहरा है और जो उनका ट्रैक रिकॉर्ड है, वो इसी जिहाद से निपटने का एक कारगर उपाय के रूप में उभरा है, ये समझ लीजिए। जिस तरह इन्होंने जिहादियों को यूपी में नाके चनो चपवाए हैं, जिस तरह वहां पर अतिक्रमण रोका है, जिस तरह वहां माफिया मंगवाकर मुआवजे वसूल करवाए हैं आगजनी पर और दंगों पर, वो ब्रांड योगी का आज देश भर में सर चढ़ के बोलता है जिहाद के खिलाफ, और इसलिए कश्मीर में उनका स्वागत होता है। इसलिए इस जिहाद पर कड़ाई से नकेल कसने के लिए योगी जी की प्रतीक्षा होती है कश्मीर, ये समझ लीजिए। इसको बेरोजगारी में मत बरगलाइए। रोजगार तो जिंदा रहे तो आएगा, हाँ। मेहनत करें, पढ़े लिखे तो आएगा, उद्यम करें तो आएगा, लेकिन जान रहे तभी ना आएगा। अच्छा, वकार भाटी साहब भी जुड़ गए हमारे साथ। मैं एक बार जरा बताना चाहती हूँ कि आज योगी आदित्यनाथ की रैलियां थी, गृह मंत्री अमित शाह की रैलियां थी, पीओके पर सीएम योगी का एक बड़ा बयान आया। वो कह रहे हैं कि पीओके फिर जेएनके का हिस्सा होना चाहिए। यहां के चुनाव देखकर पीओके के लोग भी चाहते हैं कि वहां चुनाव हो और उस तरह से हो जैसे यहां हो रहे हैं। वो ये भी कह रहे हैं कि टुकड़े टुकड़े गैंग को मतदाताओं का संदेश भी, उन्होंने कहा दुनिया में जेएनके को लेकर दुष्प्रचार किया गया और कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी ने आतंक का वेयरहाउस इसे बना दिया था। अब आप देखिए, आतंक के वेयरहाउस पर दहाड़े हैं योगी आदित्यनाथ, उन्होंने ये बात कही। अब मेरा सीधा सवाल ये है, प्रेम कुमार जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, प्रेम कुमार जी ये कह रहे हैं, अब आप सोचिए कि राहुल गांधी कश्मीर जाते हैं तो वो बाहरी वाली बात कह देते हैं, वो कहते हैं बाकी भारत बाहरी हो गया, आप किस चीजों पर हम का को हड़प रहा है, यहाँ के LG भी बाहरी है, बाकी भारतीय भी बाहरी है। योगी आदित्यनाथ पीओके को जोड़ने की बात कर रहे हैं, अब आप सोचिए तो कौन भारत के हित के बारे में सोच रहा है और कौन बांट रहा है? नहीं, योगी आदित्यनाथ जी तो पीएके को 10 साल से जोड़ ही चुके हैं और पाकिस्तान भी ले लेंगे, तो आखिर पीओके को लेने के लिए इन्होंने तो सियाचिन भी ले लिया, केवल बोलने के अलावा कुछ किया भी है? ये बात सोचना पड़ेगा कि चुनाव के समय में बोलने के अलावा भी कुछ किया है इन्होंने, और उसके बाद में हर बात को जिहादी बोल करके बात करना,
एक बात घोषणा कर देना इसी मंच पर कि कल को चुनाव परिणाम आ जाएंगे और बीजेपी किसी राशिद इंजीनियर से, किसी जमायत इस्लामी से, किसी पीडीपी से, किसी एमसी से, जिसको ये लोग जिहादी बोल रहे हैं, उसका समर्थन नहीं लेगी। घोषणा करें ना बीजेपी, मैं चुनौती देता हूं कि मैं चुनाव के बाद बीजेपी किसी का समर्थन नहीं लेगी, किसी के समर्थन से सरकार नहीं बनाएगी। ये घोषणा कर दें, इसमें दम नहीं है, क्योंकि अतीत में भी जिनको जिहादी कहते हैं उनके साथ में जाकर के सरकार बनाते हैं। ये सरकार बनाने के लिए कुछ भी कहते हैं, चुनाव के समय में कुछ भी कहते हैं और अब भी कुछ भी कह रहे हैं। दरअसल नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, सबकी चुनावी सभाएं वहां निष्फल साबित हुई हैं। अब ये योगी आदित्यनाथ जी का प्रयोग किया जा रहा है कि कहीं कुछ पोलराइजेशन से कुछ फायदा उठाया जा सके, और ये चुनाव की हताशा है कि ऐसी भाषा दोनों तरफ से हो रही है। नहीं, पर मुझे समझ नहीं आता, आप योगी आदित्यनाथ को पोलराइजिंग फिगर बार बार कहते रहते हैं, पोलराइजेशन के लिए योगी आदित्यनाथ को उतारा है, क्यों? वो एक राज्य के पॉपुलर सीएम है प्रेम कुमार जी, तो उनको तो पार्टी उतारेगी प्रचार में। आप लोग बार बार ये क्यों कहते हैं? और अगर वो पोलराइजेशन कर रहे हैं तो आपके लिए तो अच्छा है। वहां पर महबूबा मुफ्ती क्या कर रही है, उमर अब्दुल्ला क्या कर रहे हैं, वो वहां पर कश्मीर पर बात ना करकर बुलडोजर की बात कर रहे हैं, यूपी में चल रहे बुलडोजर की, उसका क्या काम है कश्मीर में, बताइए जरा क्या काम है कश्मीर का। मैं एक बार वकार भट्टी जी जुड़ गए, मैं वकार भट्टी जी के पास जाऊं, उससे पहले जरा सुनवा देती हूं फिर से कि महबूबा मुफ्ती ने, योगी आदित्यनाथ तो बाद में गए, उन्होंने कैसे योगी आदित्यनाथ को जेल में डालने की बात भी कह दी, जरा सुनिए। जिनके ऊपर अयोध्या में श्री राम ने बुलडोजर चला दिया उस सीट पे, तो उनका उसका तो उनको उसको तो लोगों को पकड़ के जेल में डालना चाहिए था, जैसे वो एनकाउंटर करते हैं, पर वहां तो कुछ नहीं किया, यहां आएंगे आप घंटी बजाने के लिए। वकार साहब, ये महबूबा मुफ्ती कह रही है जेल में डालना चाहिए, कश्मीर में तो बहुत से लोगों को जेल में डालना चाहिए था सर, लेकिन उस पर वो बोलती नहीं है कभी। जिन लोगों ने पत्थर पकड़ा दिया उन्हें भी जेल में डालना चाहिए, जिन लोगों ने कश्मीरी पंडितों को वहां से मारकर भगा दिया उनको जेल में डालने की बात कभी नहीं कही उन्होंने आज तक, योगी को डालना है उन्हें जेल में। देखिए मैडम, कश्मीर के 20,000 लोग जेलों में हैं इससे पहले और अभी तक जेलों में हैं, और बनारस से लेकर पूरे देश की तमाम जेलों में कश्मीरी बंद हैं, बेगना जेलों में बंद हैं, वो लोग जेलों में बंद हैं जिनके ऊपर कोई केस ही नहीं है, और जो बीजेपी से हाथ मिला रहे हैं उनको छोड़ा जा रहा है चुनाव की रैलियां करने के लिए। एक केस, मतलब मैं आपको अभी एक केस बताता हूं, एक केस हवाला मनी का, टेरर फंडिंग का एक केस में तमाम कैदी बंद हैं, जिसमें इंजीनियर शीत आज चुनाव लड़ रहा है, खुलेआम बाहर है, और यासीन मलिक उम्र कैद भुगत रहा है। तो वहीं से पता चल जाता है कि जो आपके साथ हाथ मिलाएगा वो देशभक्त है, जो आपके साथ हाथ नहीं मिलाएगा वो आतंकवादी है। अब रही योगी की बात, योगी एक पजारी है, उसको मंदिर में कहीं भेजो आप घंटा बजाने के लिए, सियासत उसके बस की बात नहीं है। कश्मीर तो छोड़िए वो पीओके तो दूर की बात है, कश्मीर में आकर भाटी साहब क्या बात कर रहे हैं आप, कश्मीर में आकर बकार जी आपने कहा कि उन्हें मंदिर में जाना चाहिए, तो मंदिर जाते हैं, अभी भी जाते हैं, नहीं वो मंदिर जाते हैं लेकिन एक सूबे को भी संभाल रहे हैं, और जनता ने उन्हें दूसरी बार चुनकर फिर से भेजा है, फिर से भेजा है मंदिर में, कुछ नहीं जनता ने फिर से भेजा है। तो मेरा सवाल ये है कि जिसे जनता चुनकर भेज रही है उसे आप जेल में डालने की बात कहेंगे, जनता तय करेगी ना, आप थोड़ी तय करेंगे। सुचेता जी।